हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ योर लास्ट वीडियो ऑफ क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। हमने इसके पहले देखा कि कैसे जो अंग्रेज थे वो कैसे ब्रिटिशर्स थे, तो जो हमारे यहाँ लोगों हर काम में दखल देते थे, कैसे बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ। तो आगे देखिए, कंटिन्यू करते हैं कि इन द लेट 1830s द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वर्ल्ड अबाउट रसिया। 1830s तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो रसिया को लेकर काफ़ी वरीड हो गई थी। उनको ये लग रहा था कि जो रसिया है वह एशिया के साइड में, मतलब एशिया के आएगा, अक्रॉस एशिया एक्सपेंड, अक्रॉस एशिया इंटर इंडिया के में आएगा जब नॉर्थ वेस्ट से। तो इस चीज़ से डर के जो ब्रिटिशर्स थे वह नॉर्थ वेस्ट के साइड में अपने जो एम्पायर को या कहीं अपने ट्रेडर को काफ़ी बढ़ाने लगे थे। दे फॉट, मतलब कि उन्होंने काफ़ी वार भी छेड़ा था उनको, कहाँ कहाँ, अफगानिस्तान में 1830-1842 में एस्टेब्लिश इन डायरेक्ट कंपनी रूल देयर। तो मतलब कि वो उनको लग रहा था कि रसिया आएगी इंग्लैंड इंडिया में नॉर्थ वेस्ट साइड से, और नॉर्थ वेस्ट में पड़ने वाले सभी कंट्री स्टेट पे वो अपना अधिकार जमाने लगेगी। इसी को देखते हुए जो ब्रिटिशर्स थे वह एक के बाद एक जो है वो युद्ध करना शुरू कर दिए थे। तो पहला युद्ध वो कर रहे थे अफगानिस्तान में बिटवीन 1838 एंड 1842 के बाद, मतलब 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान से युद्ध किए थे और वे लोग हार गए थे और अपना इंडायरेक्ट कंपनी रूल वहाँ बना लिए थे। उसके बाद सिंध वॉज टेकन ओवर 1843, उसके बाद जो वहाँ के सिंध थे उनको हरा दिया गया 1843 में। नेक्स्ट इन लाइन वॉज पंजाब, उसके बाद पंजाब को, मतलब इसके बाद पंजाब का नंबर था, लेकिन जो वहाँ के महाराजा थे रंजीत सिंह, ठीक है, तो वो इनके मकसद को नाकाम कर दिए थे। मतलब इन्हें वो नहीं चाह रहे थे कि यहाँ पे आएँ और अपने कंपनी का रूल जलाएं। लेकिन रंजीत सिंह के मृत्यु के बाद 1839 में, उसके बाद क्या हुआ, दो युद्ध लड़े गए, किसके साथ, सिख किंगडम के साथ, ठीक है, और अल्टीमेटली 1849 में, मतलब दो युद्ध लड़े गए सिख के साथ, लेकिन 1849 में जो लास्ट युद्ध लड़ा गया था पंजाब के साथ, सिख लोगों के साथ, वह पंजाब उसमें हार गया था, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे है द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होता है, इसके जो इसमें जो कि गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, ये उनके द्वारा निकाला गया था, एक तरह से एक्ट था, तो एक्ट था ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। 1848 से जो 1856 तक यहाँ के गवर्नर जनरल थे, तो इन्होंने एक पॉलिसी निकाली थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने किया कि अगर किसी इंडियन रूलर के पास कोई मेल हायर नहीं होता, मतलब कोई उनका बेटा नहीं होता जो उनका सक्सेसर हो, या मतलब कोई उनका बेटा नहीं होता जो उनकी मृत्यु के बाद वो राजा बनने, तो उनके जो भी एम्पायर किंगडम होंगे वो डायरेक्ट कंपनी के पास आ जाएंगे, ठीक है। और देखिए जैसे कि कहाँ का था, सतारा है, संबलपुर है, उदयपुर है, नागपुर है, झांसी, यहाँ इन जगहों की जो राजा की जब मृत्यु हुई, तो मृत्यु होने के बाद क्या हुआ कि जो इनका पूरा किंगडम, पूरा एम्पायर था, पूरा कंपनी के अधीन आ गया, क्योंकि इनका कोई मेल है, कोई बेटा नहीं था जो इनकी गद्दी को इनकी मृत्यु के बाद संभाल सके, ठीक है। फिर देखिए फाइनली 1856 में तो कंपनी ऑल्सो टुक ओवर अवध। कंपनी ने अवध के साथ युद्ध किया। दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडेड आर्गूमेंट, दे सेड दे आर ऑब्लाइज बाई ड्यूटी टू टेक फॉर अवध इन ऑर्डर टू फ्री द पीपल। उन्हें लगने लगा कि जो अवध के राजा हैं वो वहाँ के लोगों का काफ़ी ख्याल नहीं रख पा रहे, वो अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो मिस गवर्नमेंट करते हैं वहाँ के जो नवाब हैं, इस वजह से वो ज़बरदस्ती वहाँ के नवाब को हटा के अपनी पोजिशन को स्थापित कर लिए थे, ठीक है। लेकिन जो वहाँ के लोग थे वो ऐसा नहीं चाहते थे, वो अपने राजा के जो भी वहाँ के अवध के आते थे उनको ही बने रहना चाहते थे। इसीलिए जो रिग्रेट हुआ या जो फाइटिंग हुई, जो युद्ध हुआ ना, तो उसमें वहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया था, लेकिन वो लोग हार गए थे, ठीक। आगे देखिए, आगे सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो थे ये लोग करेंगे ब्रिटिशर्स, तो सबसे आगे नाम इसमें आता है ना कि वॉरेन हास्टिंग्स का। ये गवर्नर जनरल थे 1773 से 1785 के बीच में, ठीक है। इनके समय में बहुत सारा इंपॉर्टेंट, बहुत सारा सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन हुआ था कंपनी के पावर का, मतलब काफ़ी बढ़ा था कंपनी का पावर। बाय हिज टाइम द कंपनी एक्वायर्ड पावर नॉट ओनली बंगाल। इनके समय ना कंपनी से बंगाल में ही अपने पावर को नहीं बढ़ा पाई, जबकि बॉम्बे और मद्रास में भी अपने पावर को काफ़ी
बढ़ा ली थी। ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, तो जो ब्रिटिश के जो टेरिटरीज थे, जैसे अभी स्टेट डिवाइड है ना, तो उसको पैसे उस टाइम प्रेसिडेंसीज डिवाइड थे, जैसे इंडिया में है ना अपने स्टेट्स हैं ना, तो अभी इंडिया स्टेट्स में डिवाइडेड थे, तो वो ये लोग प्रेसिडेंसीज में डिवाइड कर देते थे। तो वहाँ पर उस टाइम 3 प्रेसिडेंसीज थे, फर्स्ट बंगाल था, सेकेंड मद्रास था, थर्ड बॉम्बे था। ईच वॉज रूल्ड बाई अ गवर्नर, और सभी के अपने गवर्नर थे, द सुप्रीम हेड, और जिनका सुप्रीम हेड गवर्नर जनरल था वो थे वॉरेन हास्टिंग्स। द फर्स्ट गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, और ये जो थे ना, ये काफ़ी नियम कानून हर एक चीज़ में काफ़ी परिवर्तन ला दिए थे वॉरेन हास्टिंग्स, और काफ़ी चीज़ों को ये देख रेख करते थे, नियम कानून हो चाहे किसी तरह का भी न्याय हो, ठीक है, हर न्याय में ये अपना मतलब कहीं ना कहीं परिवर्तन ये ले आए थे। आगे देखिए, फ्रॉम 1772 अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस, 1772 से एक नया सिस्टम जस्टिस का स्टार्ट हुआ। सभी डिस्ट्रिक्ट में दो तरह के कोर्ट थे, एक क्रिमिनल कोर्ट जिसको फौजदारी कोर्ट कहा जाता था, ओके, और सेकंड था सिविल कोर्ट जिसे कहा जाता था दीवानी अदालत। तो जो इसमें जो मौलवी हिंदू पंडित को रखा जाता था, किस लिए, क्योंकि मान लीजिए कोई अगर हिंदू व्यक्ति आ रहा है तो उसके नियम कानून क्या हैं, ठीक है, उनके कास्ट में उनके धर्म में क्या होता है, किस तरह से लोगों को सज़ा देनी चाहिए, इसलिए वो हिंदू को रखे थे, हिंदू पंडित को, और मौलवी को रखे थे कि कोई मुस्लिम व्यक्ति आ रहा है अपनी शिकायत को लेकर, तो उसके साथ क्या करना चाहिए, धर्म के अनुसार क्या है कैसे है, तो उसको जानने के लिए वो मौलवी को रखे थे, ठीक है। उसके बाद देखिए है कि द क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर अ काजी, जो क्रिमिनल कोर्ट था वो काजी और मुफ्ती के अंडर में था, ठीक है, काजी मुफ्ती मतलब कौन थे, मुस्लिम ही तरह से थे, तो उनके अंडर में था, द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर, जो कलेक्टर के सुपरविजन में था। देखिए आगे क्लियर करेगा सब कुछ। अ मेजर प्रॉब्लम वॉज दैट, लेकिन दो कोर्ट रखे गए थे ना, लेकिन दोनों कोर्ट के बाद एक प्रॉब्लम फेस किया जा रहा था ब्राह्मण पंडित के साथ, क्योंकि सभी के जो अपने विचार थे वो धर्मशास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार अलग अलग थे। जैसे हिंदू में देखिए बहुत देवी देवता हैं, बहुत विचार, लोग विचारधारा अपनी अलग अलग है, तो यही रीज़न था कि जो हिंदू जो ब्राह्मण पंडित थे उनके जो धर्म था धर्म के अनुसार सबके विचार अलग अलग थे। तो किसी एक अगर कोई चीज़ मान लीजिए जाता था तो वहाँ पे बहुत मतभेद हो जाता था, लोग मानते नहीं थे, क्योंकि जो बातें जो विचार एक व्यक्ति को सही लगती थी और धर्म के अनुसार दूसरे व्यक्ति को गलत लगती थी। तो ब्रिंग अबाउट अनफॉर्मिटी इन 1775 11 पंडित फॉर आर्ट, उसके बाद 11 पंडित को चूज़ किया गया कि एक कंपाइल डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ, कि वो एक पूरी किताब लिख लें हिंदू लॉ के अनुसार पे, ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता, मतलब धर्म के अनुसार क्या होता है क्या नहीं होता है। एन बी हेड ट्रांसलेट दिस, एक एन बी हेड नाम के व्यक्ति थे, इस पूरे हिंदी की बुक को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया था। बाय 1778 अ कोड ऑफ मुस्लिम लॉ वॉज ऑल्सो कंपाइल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जज, और उसके बाद कुछ मतलब मुस्लिम को भी रखा गया ताकि वो अपने लॉ को एक कंपाइल्ड कर सके, एक जगह लिख सके, ताकि हिंदू मतलब ब्रिटिशर्स के पास हिंदू और मुस्लिम सबके अलग से किताब हो सके जिसमें वो ईजिली न्याय कर सके। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 अ न्यू सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नया कोर्ट बना था सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, वाइल अ कोर्ट ऑफ अपील द सदर निजामत अदालत, इसका नाम रखा गया था सदर निजामत अदालत, वॉज ऑल्सो सेटअप टू कैलकटा, तो कैलकटा में रखा गया था सुप्रीम कोर्ट को, क्यों, क्योंकि उस टाइम जो इंडिया का जो कैपिटल था वह कैलकटा था। द प्रिंसिपल फिगर इन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज अ कलेक्टर, उस टाइम जो किसी भी जिले का जो प्रिंसिपल जो मुख्य व्यक्ति कोई होता था तो वो कलेक्टर होता था, जैसे जिला मजिस्ट्रेट होते हैं ना, तो वैसे उस टाइम कलेक्टर होता था। एज अ टाइटल सजेस्ट, जैसा कि टाइटल सजेस्ट करता है, ये इनका जॉब मेन जॉब था कि रेवेन्यू को कलेक्ट करना, टैक्स को कलेक्ट करना, लॉ और ऑर्डर को अपने डिस्ट्रिक्ट में जज मतलब कि न्याय के अनुसार मेंटेन करके रखना, सभी को न्याय दिलाना, मतलब सब किसके साथ मिलके, जजेस के साथ मिलके, पुलिस ऑफिसर दरोगा के साथ मिलके लोगों को न्याय दिलाना, टैक्स और रेवेन्यू कलेक्ट करना। हिज ऑफिस द कलेक्ट्रेट बिकम द न्यू सेंटर ऑफ पावर, जो इनका ऑफिस था ना कलेक्टर का, वो एक पावर का नया सेंटर बन गया था, ठीक है, और जो धीरे धीरे पुराने जो लोग थे, जो लोग टैक्स वगैरह रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, उनको पीछे छोड़ते जा रहे थे। अब देखिए कंपनी की आर्मी के बारे में हम लोग ने पहले भी पढ़ा था, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं।
कॉलोनियल रूल इन इंडिया ब्रॉट इन सम न्यू आइडियाज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म। कॉलोनियल रूल जो था वो इंडिया यहाँ पे एक नया एडमिनिस्ट्रेशन में न्यू आइडियाज़ लेके आया, बट इट्स पावर रिसेट ऑन एस मिलिट्री स्टेट, ठीक है, लेकिन इट्स जो इसका जो पावर था वो कहीं ना कहीं मिलिट्री में कम हो रहा था। द मुगल आर्मी वॉज मेनली कम्पोज टू कैवलरी मतलब सवार ट्रेन सोल्जर्स ऑन हॉर्सबैक। देखिए जो पहले जो लोग मुगल शासक थे जो उन लोगों के टाइम पे जो सेना लोग थे वो घुड़सवार बहुत कम लोग थे, लोग पैदल ज़्यादा चलते थे, मतलब पैदल चलने वाली सेना ज़्यादा होती थी, ठीक है। तो उसके बाद जब ये नया चेंजेस किया कि कंपनी की आर्मी ने, इन्होंने देवर गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी, तो इन्होंने जो घुड़सवार होने लगे जो घोड़े बैठ के युद्ध करते थे उन्होंने उनको आर्चरी मतलब तीरंदाजी सिखाई, ठीक है, एंड यूज ऑफ स्वर्ड यूज़ करना सिखाया, ठीक है। द कैवलरी डोमिनेटेड द आर्मी एंड द मुगल स्टेट डिड नॉट फील द नीड टू हैव अ लास्ट प्रोफेशनल ट्रेंड इन्फेंट्री। तो इन्फेंट्री मतलब होता है पैदल चलने वाले सोल्जर्स। द रूरल एरियाज हैड अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म पिजन्स, मतलब सब कहने का इतना अर्थ है यहाँ पे कि जो पहले थे वो काफ़ी ट्रेन किए जाते थे, जो घोड़े पर चल के सेना चलती थी आर्मी वाले थे, लेकिन पैदल वाले ज़्यादा होते थे, लेकिन इनके आने के बाद लोगों को काफ़ी ट्रेन किया गया। हाँ, तो इन लोग को आर्चरी वगैरह सिखाए गए, तीरंदाजी सिखाए गए, स्वॉर्ड्स सिखाया गया, तो उसके बाद से घुड़सवार वाले जो सेना होते थे उनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई। आगे देखिए, अ चेंज ऑकर्ड इन द 18th सेंचुरी, एक परिवर्तन 18th सेंचुरी में दिखता है। व्हेन मुगल सक्सेसर स्टेट्स लाइक अवध एंड बनारस स्टार्टेड रिक्रूटिंग पीजेंट्स इन टू देयर आर्मीज एंड ट्रेनिंग देम ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर्स। इस परिवर्तन को हम देख सकते हैं कि जब अवध और बनारस में जो सोल्जर्स थे उनको ट्रेनिंग दिया जाने लगा नए तरीके से, मतलब कि वो आर्चरी वगैरह सिखाया जाने लगा। द ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड द सेम मेथड व्हेन इट बिगन रिक्रूटमेंट फॉर इट्स ओन आर्मी, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी खुद की आर्मी थी तो अब उन्होंने अपना ओन जब आर्मी अपना खुद का स्टार्ट किया तो भी वह काफ़ी उनको ट्रेन करते थे, ठीक है, उनको सिपाही कहा जाता था, जिसको इंडिया के वर्ड में सिपाही कहा जाता है, सोल्जर कहा जाता है। देखिए यहाँ लिखा ना, सवार मतलब होता है मैन ऑन हॉर्स, मुस्केट था आ गया हैवी गन की मुस्केट, और मैच लॉक लिखा है, मुस्केट मतलब होता है एक हैवी गन यूज़ बाई इन्फेंट्री सोल्डर्स, एक बहुत भारी गन होता है जिसे पैदल चलने वाले सोल्जर यूज़ करते हैं। अब देखिए मैच लॉक क्या होता है, एन अली टाइप ऑफ गन, एक मतलब पुराना समय का एक गन होता था जिसमें कि पाउडर पूरा भरा होता था, मैच पाउडर। अब देखिए फिर देखिए, वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज फ्रॉम 1820s, उसके बाद देखिए इन्होंने क्या किया, जो टेक्नोलॉजी जो मतलब युद्ध के लिए लोग सामान का यूज़ वगैरह करते थे उसको भी चेंज कर दी, उनके गन वगैरह चेंज कर दिए। पहले जो इनके गन थे और बारूद वगैरह थे, बम वगैरह रखते थे, वो काफ़ी मतलब कि नए ज़माने के नहीं थे, मॉडर्नाइज नहीं थे। उसके बाद इन्होंने मस्केट का यूज़ किया जो हैवी गन था, ठीक है, और मैच लॉक का यूज़ किया जिसमें मैच का माचिस वाला पाउडर भरा रहता जो काफ़ी भारी मात्रा में आग लगा देता था, या तो मतलब काफ़ी तहस नहस करता था वहाँ पे, ठीक है। फिर देखिए, इन द 19th सेंचुरी द ब्रिटिश बिगन अ डेवलप अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक कल्चर, उसके बाद 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो मिलिट्री था कल्चर उन काफ़ी इलेक्ट्रिक कल्चर काफ़ी चेंज किया, उनका यूनिफॉर्म रख दिया, ठीक है। सोल्जर्स वर इंक्रीजली सब्जेक्ट टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग, मतलब कि सोल्जर्स को फोर्स किया गया, ट्रेन किया गया यूरोपियन स्टाइल में, ठीक है। तो ड्रिल डिसिप्लिन और उनकी लाइफ को काफ़ी डिसिप्लिन कर दिया, काफ़ी रेगुलेट कर दिया गया, बहुत नियम कानून से बांध दिया गया। ऑफन दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम सिंस कास्ट एंड कम्युनिटी, और काफ़ी रेगुलेट और डिसिप्लिन में कर देने के बाद हर एक व्यक्ति जो मतलब सिपाही भी देखिए अलग अलग कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो काफ़ी उनकी फीलिंग को उनकी इच्छाओं को इग्नोर किया जाने लगा, ठीक है। कुड इंडिविजुअल सो इजली गिव अप देयर कास्ट रिलीजियस फीलिंग, तो देखिए ये नहीं हो सकता कि कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को या मतलब काम करने के लिए अपने धर्म को या समुदाय को छोड़ सकता है, क्या कोई छोड़ सकता है, नहीं छोड़ेगा, तो वो लोग भी नहीं छोड़ते, इसलिए आपस में काफ़ी द्वंद्व होने लगा था। व्हाट डू द सिपॉयज फील, सिपॉयज की फीलिंग क्या थी, देखिए अगर अब आपको कहा जाए कहीं जॉब करनी है, कहीं काम करना है, उसके लिए आपको अपने कास्ट को चेंज करना था, तो ऑब्वियसली आपको बुरा लगेगा, ठीक है। तो हाउ डू दे रिएक्ट टू द चेंज इन देयर लाइफ एंड देयर आइडेंटिटी, तो उन्होंने कैसा रिएक्ट किया होगा, उन्हें कैसा फील हुआ होगा जब उनकी लाइफ की आइडेंटिटी को चेंज कर दिया गया हो। द रिवोल्ट ऑफ 1857, जो रिवोल्ट था 1857 का, गिव अस अ ग्लिम्पस इनटू द वर्ल्ड ऑफ सिपाही, जो 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था वह सिपाही की लाइफ को थोड़ा चेंज कर दिया था, जो हम लोग आगे चैप्टर 5 में रीड करेंगे, ठीक है।
अब ये देखिए कंक्लूज़न बचता है, तो कंक्लूज़न में बस यही बता रहा है कि हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे सिर्फ ट्रेडिंग करने यहाँ आई थी, लेकिन ट्रेडिंग करते करते मतलब ट्रांसफॉर्म हो गई, टेरिटरी पूरा कॉलोनियल पावर बना लिया, कई जगहों पर युद्ध करके अपना शासन बना लिया, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में काफ़ी पार्टिसिपेट किया था, है ना। और जो पहले देखिए पहले क्या था ना कि किसी देश से इंडिया आने में जो 6 से 8 मंथ लगते थे, तो उस टाइम एक स्टीमशिप तैयार किया गया ना, जो दूसरे देश से मतलब ब्रिटेन वगैरह से यहाँ पे आने में सिर्फ 3 वीक लगते थे, लेकिन स्टीमशिप के बनने से पहले 6 से 8 मंथ लगते थे, इसलिए लोग यहाँ कम आना पसंद करते थे। लेकिन जब स्टीमशिप बन गया तो उसका टाइम सिर्फ 3 वीक्स का लगता था, तो जो ब्रिटिशर्स थे काफ़ी मात्रा में अपने फैमिली को लेकर इंडिया में आने लगे थे। बाई 1857 तक कंपनी कैम टू एक्साइज डायरेक्ट रूल। 1857 तक देखिए जो कंपनी का था वो काफ़ी जगहों पे उसका डायरेक्ट रूल हो गया था, और 68% टेरिटरी पर उसका रूल था जगहों पर, और 78% पॉपुलेशन पे, इंडिया के सब कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन पर उसका रूल हो गया था, कंबाइंड विद इस इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द रिमेनिंग टेरिटरी। और धीरे धीरे जो बचे हुए टेरिटरी थे और लोग थे उनका उस पर उनका अधिकार होता गया, और धीरे धीरे करते हुए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वर्चुअली द होल ऑफ इंडिया, और धीरे धीरे करते हुए वो पूरे इंडिया पे अपना कंट्रोल जमा लिए थे। तो बेटा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, आप पढ़िए और रिवाइज़ करिए।